शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन शब्दों के रचयिता और भारत को संविधान देने वाले बहुआयामी प्रतिभा व विद्वता के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समतावादी और प्रबुद्ध सामाजिक दृष्टि को साकार करने के लिए 26 फरवरी 2019 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है विधि शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान और अपने संगठित जीवन के उदाहरण और प्रभाव से ज्ञान का प्रसार तथा अभिवृद्धि करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन पर्यंत जिन सिद्धांतों के लिए कार्य किया, उन्हीं के आदर्शों का प्रतीक है ये विश्वविद्यालय। विधि विश्वविद्यालय की स्थापना में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सपने को साकार करते 26 फरवरी 2019 को विधानसभा में विधि विश्वविद्यालय के अधिनियम को पारित किया गया और अस्तित्व में आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में डॉक्टर देव स्वरूप ने 2 मार्च 2020 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2020 के मार्च के अंतिम सप्ताह में संपूर्ण देश में कोविड के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया। जीवन मानो थम सा गया और इन्हीं चुनौतियों के बीच 22 अप्रैल 2020 को कोविड काल में ही विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड पर वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें विश्वविद्यालय की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी तक विद्यार्थियों की सीधी पहुंच संभव हो सकी। 14 मई 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे मान्यता प्रदान कर विश्वविद्यालय की क्षमताओं व भावी योजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी। 12 सितंबर 2020 को विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संविधान दिवस 26 नवंबर 2020 को 40 विद्यार्थियों का एक वर्षीय LLM पाठ्यक्रम का पहला बैच ऑनलाइन प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए हैदराबाद की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने कहा, सिंस वी आर हैविंग दिस इनॉग्रल टॉक ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड why we need a constitution. If we don't have a constitution, what is going to happen? So I would like to answer this question by saying that man since antiquity has pondered the problem of how to reconcile the need for order and authority in the society with the desire of individual liberty. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर had to work quite a lot to share with the majority party, that is the Congress, and the opponent view, and intervene intellectually and arrive at a decision which is acceptable to both. And it is here that we find on many issues where there were differences of opinion, Dr. Ambedkar intervene and help them to arrive at decision, drawing scholarship and knowledge from various constitutions in the world. So that is his approach and contribution. 27 जनवरी 2021 को विश्वविद्यालय की वित्त समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लोगों का अनावरण 26 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। ये प्रतिष्ठित लोगो संस्थान की अद्वितीय दृष्टि, विशिष्टता, उद्देश्य को दर्शाता है। 3 मार्च 2021 को विधि विश्वविद्यालय को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने सदस्यता भी प्रदान की। 6 मार्च 2021 को विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की उपलब्धि रही कि इसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों के विधि कोर्सेज में समान पाठ्यक्रम लागू करने के बारे में निर्णय किया गया। 14 अप्रैल 2021 को
अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने कहा, आज जिनका जन्मदिन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने इन वर्गों को एक पॉलिटिकल एंटिटी दी, उन्होंने इन वर्गों को इनमें चेतना पैदा की, उनमें उनके भविष्य के प्रति आशा पैदा की। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देश की आजादी के आंदोलन में बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी, एक समाज सुधारक और एक पॉलिटिकल लीडर या सोशल रिफॉर्मर की तरह, कि उन्होंने इन वर्गों को पहली बार यह एहसास कराया कि समाज के निर्माण में, समाज के बेहतर निर्माण में उनका बहुत योगदान हो सकता है। इसी दिन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार ने एक विशेष व्याख्यान दिया। प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा, टू नॉक द डोर्स ऑफ जस्टिस एट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड एन अपील टू द हाई कोर्ट एंड सबसिक्वेंट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सो द चॉइस गिवन टू द इंडिविजुअल्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली is what makes part 3 fundamental rights. Human rights are involved in that, no doubt about it. And that's the issue. If it is human rights are through statutes, for the violation of the statute, you can go to the High Court, not to the Supreme Court directly. Right? But for the violation of the fundamental rights, you can directly go to the Supreme Court. And that is what is more important. 31 May 2021 ko बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से विश्वविद्यालय के ऑनलाइन निरीक्षण के अवसर पर कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन के आधार पर बार काउंसिल ने 4 जुलाई 2021 को विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की। बार काउंसिल के इतिहास में ये पहला अवसर है जब उसने किसी विश्वविद्यालय को ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर मान्यता प्रदान की। विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध कॉलेजेस को पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन निरीक्षण आदि की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर 30 सितंबर 2021 तक मान्यता प्रदान कर विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की। विश्वविद्यालय के अकादमिक आयोजनों की श्रृंखला में 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर मानवाधिकार और गांधी विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.के. व्यास थे। शिक्षकों की कड़ी मेहनत और विद्यार्थियों के सतत सीखने की चाह ने प्रदेश की विधि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का उत्साह और उल्लास उन्हीं के शब्दों में, I'm so proud to be an alumni of this university who has given me so much. इतने अच्छे friends, इतने अच्छे faculty, जो जिंदगी हमें अपने family members की तरह सब कुछ सिखाया। I am very grateful to be a part of this university. We have provided so many essential facilities in the COVID situation. I'm a proud student of Ambedkar Law University. I would like to say that as last year we were crippled by the pandemic, but our teachers relentlessly worked towards supporting and making sure that the students learned. They very effectively and very smoothly adapted the new learning platforms. कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने विश्वविद्यालय की विकास गाथा को विस्तार से समझाते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के पहले विधि मंत्री थे और संविधान निर्माता, सामाजिक समानता और न्याय के प्रतीक, ये विश्वविद्यालयों के नाम पर है। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी ने कई मौक़ों पर कहा कि मेरा ये सपना था कि ऐसा राज्य विधि विश्वविद्यालय बने जिसके माध्यम से पूरे राजस्थान के विधि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विधि के छात्रों को गुणवत्तापूर्व विधि शिक्षा मिल सके। विश्वविद्यालय की स्थापना केवल ईंट गारा मिट्टी इस सब का मिश्रण करके एक बिल्डिंग बनाना नहीं, विश्वविद्यालय बनता है नियमों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के बेहतर स्थापन से।
विश्वविद्यालय के अपने स्वतंत्र एवं भव्य स्थायी परिसर के निर्माण की तैयारियां धैमी कला में एक विशाल क्षेत्र में शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में कुल सचिव श्री अयूब खान ने बताया, विश्वविद्यालय को नई जमीन धैमी कला में राज्य सरकार ने 25 एकड़ भूमि आवंटन की गई है। लगभग 1000 बच्चों की कैपेसिटी का कैंपस, जो 3-3 हॉस्टल्स बनेंगे, एकेडमिक सेंटर बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी वहाँ पे, और इंटरनेशनल स्तर पे जो भी विधि से संबंधित जो बच्चों की ज़रूरतें होंगी उनको नज़र रखते हुए पूरी प्लानिंग की गई है। नियंत्रक वित्त श्री वरुण मिश्रा ने अपने अनुभवों को हमसे इस प्रकार साझा किया। कोरोना काल की जो चुनौतियां थी उनसे निपटते हुए लगभग 2 साल में विश्वविद्यालय ने जो प्रगति की है उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि वित्तीय अनुशासन के मानकों का ध्यान रखा जाए एवं राज्य सरकार के जो वित्तीय नियम है उनका भी ध्यान रखा जाए। देखते ही देखते वैश्विक महामारी की इन चुनौतियों के बीच विश्वविद्यालय का पहला 1 वर्षीय LLM पाठ्यक्रम का अकादमिक सत्र पूरा हुआ। विश्वविद्यालय के जीवन में दीक्षांत समारोह का अपना विशेष महत्व होता है। दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं वरन विद्यार्थियों के जीवन संग्राम में कदम रखने का वो जीवन क्षण है जब वो कुछ कर गुजरने के संकल्प के साथ अपने करियर की शुरुआत करता है। 16 दिसंबर 2021 को प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करते हुए राजस्थान के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने अपेक्षा की कि विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के आलोक में इस तरह की शिक्षा प्रदान करे जिससे देश को कुशल कानूनविद, न्यायविद, अधिवक्ता और संविधान मर्मज्ञ मिल सके। जहाँ एक तरफ इतनी संस्थाएं बड़ी संख्या में विधि छात्रों को शिक्षित करने का कार्य कर रही है, वहीं इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना यह बहुत बड़ी चुनौती भी है। विश्वास है इस चुनौती के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अपने गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रमों के साथ अपने यहां शैक्षिक स्तर पर निरंतर वृद्धि करने के प्रयास करेगा। विधि में शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए अब बहुत सारे विकल्प हैं, इसलिए जरूरी है कि आपका यह विश्वविद्यालय ऐसी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करे जिससे इसकी पहचान वैश्विक विधि शिक्षण संस्थान के रूप में हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप के असाधारण प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके नेतृत्व में अपार विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का सपना हम लोगों ने 10 साल पहले देखा था, एक से एक बढ़ के पर्सनल देखी मैंने, अभी कॉन्फिडेंस देखा इनके चेहरों पर, खुशियाँ देखी, उत्साह देखा, लगता है कि इन सब का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। देव स्वरूप जी का सिलेक्शन अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल आज स्थिति नहीं आती। मैं इनको नहीं जानता था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, कैसे बने मुझे नहीं मालूम, मेरी सिफारिश भी नहीं थी। ये सब इनकी जो कार्य प्रणाली थी उसने मुझे प्रभावित किया। कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की विकास मान यात्रा को भाव विहल शब्दों में कुछ यूं व्यक्त किया, विश्वविद्यालय संस्थाएं बनती हैं संसाधनों से और हौसले से। संसाधन माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय गवर्नर साहब के, हौसला हम सबका है जो उन्हीं से ड्राइव हो रहा है। विश्वविद्यालय की अकादमिक उपलब्धियों की श्रृंखला के अंतर्गत 14 अप्रैल 2022 को विधि शिक्षा की गुणवत्ता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा, सबको आज परिवार में इकट्ठा कर लिया,
प्राइवेट को और गवर्नमेंट को, कॉलेजेस को, और ये बता देते कि ऐसा कोई देश के अंदर शायद इस प्रकार का प्रयोग कभी हुआ नहीं सेमिनार का इस रूप में। तो मैं जो कह रहा था आपको कि आज मेरी बाइट जी सुबह हम जो शपथ लेते हैं MLA MP या मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उस संविधान के अंतर्गत लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम कहते हैं उन्होंने बनाया, जाटमी कंपनी चेयरमैन थे, सब कहते हैं उनके बारे में, और क्या उनका खुद का परिवार था क्या इत्यादि, वो सब व्यक्तित्व और कर्तित्व क्या जानते हम लोग, उसके ऊपर तो जितना कहे तक कम है। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव ने अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हुए कहा, कानून की जो शिक्षा है उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि आप जैसे और भी यहाँ महाविद्यालय ऐसे बने जिनमें शिक्षा का उच्च एक सर्वोच्च वो हो, हमारा पूरे देश में नाम हो। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कुलपति फैजान मुस्तफा ने विधि शिक्षा पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा, इफ वी आर एन अंडर ग्रेजुएट ड्रिवन इंस्टीट्यूशन, हमारा सारा फोकस BA LLB पे है, LLM पे नहीं है, PhD पे नहीं है, तो रिसर्च कैसे होगी? कि देश में जो संविधान का विजन है अगर वो हमने पढ़ाया और हमारे बच्चे समझ गए और वो फ्यूचर के नागरिक बनेंगे, तो आपने गुणवत्ता वाली लीगल एजुकेशन दी। देव स्वरूप साहब की कोशिशों से हम एक नए तरीके का करिकुलम शुरू कर रहे हैं और राजस्थान में कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत होगी। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा कि अधिवक्ता हमारे समाज के सोशल इंजीनियर्स होते हैं। As all of us know that law is not only a profession. Lawyers are social engineers. The lawyers have to contribute to the society and therefore it is the lawyers who study in the colleges either at the district level or the Mofussil level will cater to the society at large. It is they who will be practicing in the trial courts, in the district courts and catering to the needs of the majority of the citizens of the country. And therefore, I am really happy that the university has decided to coincide today's conclave along with Dr. Babasaheb Ambedkar's 131st birth anniversary. कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत कंसर्न रहा है कि प्रदेश के विधि शिक्षा के स्तर में सुधार हो और इसीलिए उन्होंने ये विश्वविद्यालय स्थापित किया। आप जानते हैं देश में केवल 3 विश्वविद्यालय हैं जो एफिलिएटिंग लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, 23 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं जो यूनिटरी हैं, 1600 से 50 ज्यादा विधि महाविद्यालय हैं, लेकिन 3 विधि विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एफिलिएटिंग हैं, राजस्थान का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदेश के विधि महाविद्यालयों को एक पहचान मिली है, एक ऊंचाई मिली है, निरंतरता मिली है और यह विश्वास मिला है कि उनका प्रतिनिधित्व इस विश्वविद्यालय के माध्यम से एक विशेष प्रकार से, विशेष आयोजन से और विधि शिक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर होने वाला है। इस सेमिनार में प्रदेश के लगभग 80 विधि महाविद्यालयों के 600 से अधिक प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षाविदों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधि विश्वविद्यालय की बहुआयामी प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अपने प्रेरणादायक पत्रों से कुलपति और उनकी टीम के सभी सदस्यों की भरपूर सराहना की। विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए विधि विशेषज्ञों से यही आशा है कि वे अपने को कानूनी शिक्षा में पारंगत कर विधिक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना कर भारत में कानूनी शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने में अग्रसर हों।